Hi guys, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Jaspreet Kaur and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to the channel below. In today's video, aaj hum discuss karenge class 9th ka chapter number 3, jiska naam hai The Little Girl. Filhal Little Girl main lag rahi hoon. Anyways, chapter start karte hain. So, is chapter ka jo main character hai, wo actual mein Little Girl hi hai, jiska naam hai Kezia. और कैसे वो अपने फादर से डरती है और उस डर से ओवरकम करती है, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है. एनसीईआरटी सामने खोल लो, साथ साथ पढ़ के शुरू करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ या बिफोर यू नीड पढ़ लें, चलो फर्स्ट से शुरू करते हैं. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्ड्स विद गुड बाय फादर. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. शुरुआत होती है उसके पापा सुबह ऑफिस जाते हैं, उसके रूम में जाके उसको किस करते हैं और वो कहती है गुड बाय फादर. और उसको चैन की सांस आती है कि उसके पापा चले गए हैं, क्योंकि जो लिटिल गर्ल है अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea in the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper out there and bring me my slippers. शाम का टाइम होता है, वो देख रही होती है कि उसके पापा घर आ जाते हैं और वो चिल्लाते हैं कि मेरी चाय ले आओ, शाम की न्यूज़पेपर नहीं आई, मेरे जूते रखाओ. मतलब इन जनरल ही इज़ अ डोमिनेटिंग फादर. Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you come down and take off your father's boot. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. उसकी मम्मा उसको कहती है तुम गुड गर्ल हो, जाओ अपने जाके पापा के जूते उतारो. और वो डरती डरती स्टेयर्स डरती डरती रूम रूम में आती है. By that time he had his spectacles on and looked at her over the way. It was terrifying to the little girl. उसके फादर ने चश्मा पहना होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा देख के वो डर जाती है. वेल केजिया, हरी अप एंड पुल दीज बूट्स ऑफ एंड टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन गुड गर्ल टूडे? आई डोंट नो फादर. उसके पापा उसको देखते हैं और कहते हैं फटाफट जूते उतार के बाहर रखो, और उससे पूछते हैं कि तुम आज गुड गर्ल बन के रही. तो जब भी हम किसी से डरते हैं, खास करके केजिया के केस में, जब भी वो अपने फादर से बात करती है वो इतनी ज़्यादा डरी होती है कि वो लड़खड़ा के बोलती है आई डोंट नो, ऐसे करके. मतलब उसकी जीभ जो है बहुत ज़्यादा लड़खड़ाती है. एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड अब मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, बट तुम समझ जाओ कि वो झिझक के बोलती है. यू डोंट नो इफ यू स्टटर, आ गया वर्ड स्टटर, लाइक दैट मदर विल टेक यू टू द डॉक्टर. शी नेवर stuttered with other people, had quite give it up, but only with father, because then she was trying so hard to these words properly. उसके पापा कहते हैं stutter करके क्यों बोल रहे हो, मतलब लड़खड़ा के क्यों बोल रहे हो, और अगर तुमने ऐसे ही बोला तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा. बट इसमें लिटिल गर्ल की कोई दिक्कत नहीं है, वो सबके साथ अच्छे से बात करती है, लेकिन जब उसके फादर की बात आती है तो वो stutter करके बोलती है. stutter means ऐसे करके, ठीक है. What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear brink of suicide. Here, Kezia, carry up the teacup to the table carefully. He was so big, his hand and neck, especially his mouth, when he yawned, thinking about him alone, thinking about a giant. अब उसके फादर की हाइट बड़ी थी तो वो देख के बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी कि ही वॉज लाइक अ जाइंट. उसके हाथ इतने बड़े हैं, पैर इतने बड़े हैं, अपने फादर से बेसिकली वो डरती है. ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्रॉइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. संडेज को उसकी दादी उसको नीचे भेजती थी लिविंग रूम में कि जाओ अपने पापा से बात करो, बात करने की कोशिश करो. लेकिन ये पेज नंबर 33 पे आप देख सकते हो कि उसकी मम्मा संडे आफ्टरनून को यूजुअली पढ़ रही होती हैं, उसके पापा सोफे पे पस रहे होते हैं और उनका रुमाल उनके मुंह पे होता है, मतलब वो रेस्ट कर रहे होते हैं. तो ऐसे केस में वो बच्चा क्या ही अपने माँ बाप से बात करे.
अब इस केस में ऐसा हो रहा है कि उसकी मदर भी सपोर्टिंग नहीं है उसके फादर को लेके, और वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डालती, उसकी दादी ही थोड़े बहुत यू नो एफर्ट्स डालती है ताकि हो जाए सब कुछ ठीक. शी सैट ऑन द स्टूल ग्रेवली वॉच देम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच एंड आज द टाइम वेन देन लुक डेट हर. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. वो उठता है, वो टाइम देखता है, वो देखता है कि केजिया उसको एक टुक देख रही होती है. वो कहता है ऐसे मुझे घूर के मत देखो, तुम उल्लू के जैसी लग रही हो. वन डे शी वो स्केप्ट इनडोर्स विद द कोल्ड. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम पिन कुशन फॉर गिफ्ट अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. अब उसकी दादी कहती है कि इस तुम्हारे फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक, तो तुम उनके लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर करो. अगर तुम गिफ्ट प्रिपेयर करोगी डेफिनेटली फादर जो है तुम्हें लेके थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे. और वो सजेस्ट करती हैं कि तुम उनको एक कुशन गिफ्ट करो येलो कलर की सिल्क का. लेबरसली विद द डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्ट्रेच थ्री साइड्स, बट वट विद द फिलिंग दैट वॉज द कुशन. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम एंड लुक फॉर स्क्रैप्स. On the bed table, she discovered great many sheets of fine paper, gathered them, tore them up in tiny pieces and stuffed in the case and sewed the fourth size. अब होता क्या है, वो पीले रंग का कपड़ा लेती है, उसको तीन साइड से सिल देती है. अब उसके अंदर स्टफिंग चाहिए कुछ. दादी बाहर गार्डन में होती है, वो इधर उधर घूमती है, अपनी मम्मी के रूम में जाती है. अब उसको बहुत अच्छे अच्छे पेपर मिलते हैं, वो पेपर लेती है, उनको फाड़ती है, कुशन के अंदर भर देती है अच्छे से और उसकी फोर्थ साइड भी सिल देती है. द नाइट वॉज देयर अ ह्यूज क्राई इन द हाउस. अब मेन स्यापा पड़ गया. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस. रूम्स वर सर्च सर्वेंट क्वेश्चन फाइनली मदर विद केजिया रूम. केजिया आई सपोज यू डोंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल ऑफ आर रूम. ओ येस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर द सरप्राइज. वॉट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. अब वो उसके फादर की स्पीच होती है जो कि उन्होंने डिलीवर करनी होती है, एंड वो स्पीच तो बची नहीं है, पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं, सर्वेंट्स ढूंढ रहे होते हैं. उसकी मदर फाइनली केजिया के पास आती है कि तुमने कुछ पेपर्स तो नहीं देखे. तो कहती है हाँ मैंने देखे थे, मैंने उनको फाड़ दिया किसी सरप्राइज़ के लिए. अब उसकी मदर को और गुस्सा आ जाओ, कहती है तुम नीचे आओ, तुम्हें तुम्हारे फादर बताएंगे तुमने क्या करा है. वर्ड स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. एंड शी वॉज ड्रैग डाउन वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड द बैग. जहाँ पे उसके फादर जो है लेफ्ट राइट पूरे ड्राॅइंग रूम में घूम रहे होते हैं. और अब केजिया की शामत नहीं है. वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड द चाइल्ड. डिड यू डू दैट? न न शी विस्पर्ड. मदर गो अप टू हर रूम, फेच डाउन द डैम्ड थिंग, सी वर्ड्स चाइल्ड अप टू द बेड दिस इंस्टेंट. उसकी मदर फादर को सारी बात बता देती है. अब मेरी मम्मी होती तो शायद छुपा देती, या किसी और की मम्मी भी होती तो, बट वो उनको और गुस्सा हो जाता है. एंड वो कहती हैं कि कोई नहीं, इसके रूम में जाओ, देखो कहाँ पे इसने पेपर फाड़ के क्या करा है. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द शेडो रूम, वॉच द इवनिंग लाइट मेक सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. द फादर केम इन टू द रूम विद रूलर इन हिज हैंड्स. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. Oh no no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold her hands. You must start once for all not to touch what does not belongs to you. Aur finally uske papa kehte hain tumhe punishment milegi. Aur wo scale leke aa jate hain aur kehte hain ki tumhare haath pe scale padega as a punishment, taki tumhe yaad rahe ki tumhe un cheezon ko touch nahi karna jo tumhari nahi hai. अब इस केस में जो बच्चा है, जो लिटिल गर्ल है, उसकी जो इंटेंशन थी वो ये थी कि अपने फादर को सरप्राइज दे, लेकिन बदले में उसको उसके फादर से पनिशमेंट मिल रही है और उसके हाथ पे जो इसके फादर स्केल मारते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत करा. पिंक पाम्स, सिट अप आई ऑर्डर्ड, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. डाउन कम द रूलर ऑन हर पिंक लिटिल पाम्स. छोटे छोटे पिंक कलर के हाथों पे स्केल पड़ता है. आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग सॉफ्टली टू द बॉडी. व्हाई, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉब्ड. अब वो अपनी दादी की गोदी में बैठी है. अगेन उसकी मदर प्रेजेंट नहीं है और वो अपनी दादी को पूछती है कि भगवान ने पापा को क्यों बनाया है जब वो होते इतने बुरे हैं.
Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen thought. वो कहती है मैंने पापा को समझाने की कोशिश करी कि मैंने ऐसा क्यों करा, but वो इतने ज़्यादा upset थे कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी. और उसकी दादी कहती है कोई बात नहीं, अपना नाक पूंछो, सो जाओ, तुम सुबह तक सब भूल जाओगी. But the child never forget. Obviously, बच्चा कभी नहीं भूलेगा ये चीज़. Next time she saw him, she quickly put both her hands behind her back. अब होता क्या था कि जब भी वो अपने पापा को देखती उसका डर और ज़्यादा बढ़ गया. वो जब भी देखती अपने हाथ अपने पीछे छुपा लेती, क्योंकि उसको वही स्केल जो है वो याद आ जाता जो उसके फादर ने उसको मारा था. विद रेड कलर फ्लू इन टू हर चीक्स, और उसका फेस काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाता था. द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर. अब तुम कहोगे ये खाने वाला मैकडोनल्ड्स कहाँ से, तो मैकडोनल्ड्स यहाँ पे कास्ट है, ठीक है. जो मैकडोनल्ड्स फैमिली थी वो उनके घर के बिल्कुल साथ थी. They had five children. Looking through the gap of fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulder, two little girls hanging the coat pockets, ran around the flower bed shaking in laughter. Once she saw the boy turn the hose on him and he tried to catch them laughing on the time. अब वो अपने घर से झांकती है उनके घर की तरफ और वो देखती है कि मिस्टर मैकडोनल्ड्स अपने पांच बच्चों के साथ मज़े से गार्डन में खेल रहे हैं. एक को उन्होंने अपने शोल्डर पे बिठाया है, कोई नीचे घूम रहा है और एवरीवन इज एंजॉयिंग. देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर. और तब उसको ये चीज़ हिट करती है कि दुनिया में अलग अलग तरीके के फादर होते हैं. मिस्टर मैकडोनल्ड्स भी किसी के फादर हैं लेकिन वो मेरे फादर से अलग हैं. इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया के सारे फादर्स बुरे नहीं होते, सिर्फ कुछ कुछ फादर बुरे होते हैं और उसके फादर बुरे हैं. Suddenly one day mother became ill and the grandmother went to the hospital. एक दिन क्या होता है, उसकी मदर बीमार हो जाती है और दादी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके फादर और केजिया सिर्फ घर के अंदर रहते हैं. The little girl was left alone in the house with the Alice the cook. और उनका कुक भी होता है जिसका नाम है एलिस. That was all right in the daytime. लेकिन दिन के टाइम तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही रात होती है केजिया को डर लगता है. But while Alice was putting her to the bed, she grew suddenly afraid. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay up in the dark. It all gets whispery. उसकी जो कुक है वो उसको सुलाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर मेरे को बुरा सपना आया फिर मेरे पास तो दादी सोती हैं तो मेरे को बुरा सपना आता है तो मेरे को वो फिर से सुला देती हैं, बट दादी नहीं है तो मैं कैसे सोऊंगी अगर मुझे कोई बुरा सपना आ गया तो. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलाइस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. वो कहती है कोई बात नहीं, तुम आराम से सो जाओ और घबराना मत और अपने पापा को तो बिल्कुल मत उठाना. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, और वही बुरा सपना उसको आता है. द बुचर विद द नाइफ, बुचर होता है जो चिकन काटने वाले होते हैं. द बुचर विद द नाइफ एंड अ रोप हु केम नियर एंड नियरर स्माइलिंग इन ड्रेडफुल स्माइल वेल शी कुड नॉट मूव ओनली वन स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा. शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड द कैंडल इन हर हैंड. उसको सपना आता है कि बुचर चाकू लेके और रस्सी लेके उसके पीछे पीछे भाग रहा है और वो घूम नहीं पा रही और वो बहुत बेचैन होती है, ऐसे उठती है ग्रैंडमा ग्रैंडमा ग्रैंडमा. और बुरे सपने से उठती है तो देखती है उसके रूम में उसके फादर होते हैं जिनके हाथ में कैंडल होती है और वो देख रहे होते हैं कि केजिया कितनी परेशान है. व्हाट्स द मैटर ही सेड. ओ अ बुचर अ नाइफ, आई वांट अ ग्रैनी. ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन द आर्म्स कैरिंग अलोंग द पैसेज बिग बेडरूम. न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still, with the butcher's smile all about her. It seemed she kept close to him, snuggled her head under his arm, he tightly to his shirt. अब उसके फादर कहते हैं कोई बात नहीं. और उस दिन उसके पापा न्यूज़पेपर हटाते हैं बेड से और अपने चाइल्ड को हक करके सो जाते हैं. अब होता क्या है, पहले तो केजिया थोड़ा सा डरती है बट फिर वो अपने फादर को और टाइटली हक करती है एज अ कम्फर्ट. Then the dark did not matter. She lay still. Her hair, rub your feet against my leg and get them warm, said father. अब उसके पैर ठंडे होते हैं, वो कहती है अपने पैर को मेरे पैर के साथ रब कर लो, अब तुम्हारे पैर गर्म हो जाएंगे. Tried out, he slept before the little girl. अब होता क्या है, उसके फादर पहले सो जाते हैं और लिटिल गर्ल सो नहीं पाती.
The funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, with no one to look after him. He was a harder than grandmother, but he was nice hardness. And every day he had to work up so tired, and to be Mr. McDonald, she had torn up his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. What's the matter? Asked the father. Another dream? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can't hear it's going. What's the big heart you have got, father dear? अब वो जब उसके पापा सो जाते हैं तो वो सोचती है कि मेरे पापा भी तो देखो कितना हार्ड वर्क करते हैं हमारे लिए, यू नो, पैसे कमाते हैं एंड ऑल दैट. और वो ऐसे सोच ही रही होती है कि उसके फादर फिर से उठ जाते हैं और वो कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, फिर से कोई बुरा सपना आया? तो कहती है नहीं पापा, मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुन रही थी और मुझे पता चला तुम्हारा दिल कितना बड़ा है. और ये था चैप्टर द लिटिल गर्ल, कैसे वो अपने फादर से डरती है, उनके लिए पिलो बनाती है, पेपर्स फट जाते हैं, मदर और ग्रैंड मदर घर नहीं होते, एंड देन उसके फादर उसको हक करते हैं, एंड देन उसको रियलाइज़ होता है कि दुनिया के सारे फादर्स अच्छे हैं. वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपके फादर कैसे हैं ये भी मुझे बताना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय.